साथ ही उसके अनुरूप सुख तीर्थ को सुख तीर्थ विकास परिषद गठित करने के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हजारों वर्षों की विरासत आपके पास है, आप भी कह सकते हैं कि जीवन की सच्चाई को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज भी देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी होगा वह इस महापुराण का श्रवण करता है। और आप कह सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने इस महापुराण का वाचन कहीं पे किया था, तो हमारे जनपद में किया था, मुजफ्फरनगर जनपद में। अब सोचो दुनिया के अंदर 5000 वर्ष का इतिहास कितने लोगों के पास होगा? किसी के पास नहीं, लेकिन आपके पास उंगली में गिनने के लिए है 5000 वर्ष पुराना इतिहास। इतिहास बनाने की दुनिया एक और आपको इस पौराणिक उपलब्धि के लिए बधाई, और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। चौधरी साहब को सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था, अन्यथा ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए था। क्या कर रहा था एनडी गठबंधन? लोग तो वही थे 2004 से 2014 तक, 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में भी चौधरी साहब को ये सम्मान दे सकते थे, लेकिन ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, इसलिए मोदी जी के प्रति आभार भी। भारत के विकास का रास्ता हमारे देश के गांव और खेत और खलियान से होकर के जाता है, ये बात कहने वाला भारत माता का कोई एक सपूत था तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, और आज चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर के भारत की उस गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ने का काम किया है, जो हर भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। तो स्वाभाविक रूप से मुजफ्फरनगर भी, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी और हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन करके जनता जनार्दन को विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ने के कार्य किए थे। बहनों और भाइयों, मैं आज मुजफ्फरनगर में आया हूं एक सामान्य रूप से, जनसभाएं हम लोग बाद में करने के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर संजीव पाल्यान जी ने नामांकन किया, तो नामांकन के बाद जब तक सिंपल वगैरह आदि आवंटित होते हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए एक बार होकर गया था, क्योंकि यहां पे जो लोग आए हैं ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं, कोई बार एसोसिएशन अधिवक्ता समुदाय से जुड़ा हुआ है, कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, कोई चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, कोई अलग 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 तबके से जुड़े हुए लोग हैं। उन सभी लोगों का, क्योंकि वो समाज का नेतृत्व वर्ग है, उस नेतृत्व वर्ग से मैं अपील कर सकूं, यद्यपि डॉक्टर संजीव पाल्यान जी अपने क्षेत्र में बराबर जुड़े रहते हैं, तो उनके पास बाकी काम ही किया दिल्ली में या तो मुजफ्फरनगर या फिर लखनऊ में, यहां के समस्याओं को लेकर के उस कार्य का समाधान करने के लिए, और इसलिए वे ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र को देते हैं। ये जिम्मेदारी देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हर घर जा पाए, हर विधानसभा में जा पाए या हर गांव
चैनल है, उनके कार्यक्रम सीमित होंगे। जो कि केंद्रीय मंत्री हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी उनको प्रचार के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए हर प्रबुद्ध जन को, हर पदाधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को, हर कार्यकर्ता को स्वयं संजीव बालियान बनना पड़ेगा, तब मोदी जी के संकल्प की पूर्ति में हम सब सहायक हो पाएंगे। आप देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है, एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर को, हर कार्यकर्ता को स्वयं संजीव बालियान बनना पड़ेगा, तब मोदी जी के संकल्प की पूर्ति में हम सब सहायक हो पाएंगे। आप देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है, एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू बनता था, आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालते थे। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा उस गाने को, होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए राम का आह्वान तो हो रहा है लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया, अयोध्या में राम का नाम है। आपका वोट गलत हाथों में जब जाता था वह गलत हाथ रंगदारी वसूली करता था, लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो परिणाम क्या है, अब रंगदारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, यूपी के अंदर अब तक 18 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई है। 18 लाख लोगों, बहनों और भाइयों, एक वोट की कीमत आपको समाज को बताना है, इसलिए बताना है। जो चर्चा है एक तरफ, जिसके बारे में भी डॉक्टर संजीव बालियान ने भी चर्चा की है, एक तरफ फैमिली फर्स्ट है और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है,
वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे पुष्टिकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं। और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं कि आपके पास मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत पीएम आवास योजना का लाभ। 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 करोड़ परिवार, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ परिवार लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजाला। 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन। मोदी की गारंटी का मतलब हर बेटी हर व्यापारी को सुरक्षा। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हम आते थे, मुझे याद है कपिल देव अग्रवाल जी के सभा में ही मैं आया था 16 में, और मैं आया था उस समय चुनाव प्रचार के लिए मिले। क्या स्थिति थी उस समय, क्या तनाव का माहौल था। मैंने कभी ये तनाव के माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तनाव से मुक्त तो करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरपुर नगर वासियों को उन्होंने उस आह्वान के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में मदद की, अपना आशीर्वाद दिया। 2014, 2017, 2019, 2022 ये लगातार आपका आशीर्वाद मिला। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही, सरगना में ही प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अपनी प्रैक्टिस के लिए दुनिया के अंदर नहीं बल्कि इसी लोकसभा सीट में उनको अपनी प्रैक्टिस करने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा। और फिर मुजफ्फरनगर की बेटी भी अब जब किसी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में, किसी एशियाड में, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगी तो डायरेक्ट तस्तरी में परोस करके डिप्टी एसपी का पद उनके सामने चल रही थी। तो मैंने कहा डिप्टी एसपी का पद छूट जाएगा, तो मैंने उसके मारी अपनी पूरी ताकत और उसको पिछाड़ करके भारत के गोल्ड मेडल जीता। अब होनहार खिलाड़ियों की जगह बनेगी मुजफ्फरनगर लोकसभा से, पहले से है लेकिन उसको और एक नया स्वरूप, नए कलेवर के साथ, पूरी भव्यता के साथ, एक इंटरनेशनल खेल की हम यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां बनाने जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा डेवलपमेंट के कितने कार्य हुए, और डेवलपमेंट तब सार्थक है जब सुरक्षा हो। सुरक्षा के मोर्चे पर कोई कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं। बेटी और व्यापारी की, अन्नदाता किसान की सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा तो फिर वह भी देख रहा होगा कि उसको भी 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं लगाऊंगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। निजी ट्यूबवेल ऑपरेटर को भी उस अन्नदाता
किसान को इतनी बिजली मिले, यद्यपि प्रदेश में बहुत लोड आ रहा था, हमने कहा भी नहीं, अन्नदाता किसान के लिए करेंगे। और 2600 करोड़ रुपए इसी साल अपने बजट में हमने डेबिट किए हैं, इसके लिए किए हैं, जिससे उस पैसे को हम सरकार से देंगे और उनको फ्री में पानी बिजली उपलब्ध करवाएंगे। सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी की जा रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। और इसीलिए मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, एक नया भारत। इस नए भारत के बारे में दुनिया के मन में सम्मान का भाव जगा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत दुनिया के अंदर बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश के अंदर नए नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं, भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। एक नया भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिस नए भारत में आजीविका भी है तो आस्था भी है। आप सोचो, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? आप ऐसे कितने लोग अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? नहीं, अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं ना, अब तो अयोध्या अच्छी लग रही है ना। आप सोचो, पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है और देश के अंदर से अलग अलग क्षेत्रों से, यानी इतनी बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं और सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। सड़कें वहां चौड़ी हो गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए। ये तो सब सपना था, आपके पूर्वजों ने इस धरोहर को बचाए रखने के लिए अपने संबोधन के साथ ही राम राम जोड़ दिया था। यहां मैं देखता हूं पश्चिम में कोई किसान मिलता है, कोई परिवार आपस में मिलते हैं, संबोधन में क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं, जिससे हम अपनी इस लड़ाई को अनंत काल तक आगे बढ़ा सके। और आज रामलला स्वयं अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं।